बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज भी अपनी किचन में आपको बहुत ही मज़ेदार सी चीज़ बनाना सिखाऊंगी। तो बनाएंगे ये आजकल क्योंकि सर्दियाँ हैं और सर्दियों में ये अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी कमर और जोड़ों के दर्द जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो इसके लिए मैंने ये आप देख सकते हैं काले वाले तिल जो है ये मैंने लिए हैं, आधा पाव क्रश खोपड़ा लिया है और आधा पाव ही शक्कर ली है और आधा पाव भुने हुए चने हैं और 10 अदर जो है बादाम है। अगर आप चाहें तो ये भी आधा पाव इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि बाकी की चीज़ें तो पिसी हुई हैं और चने और बादाम नहीं पिसे हुए, तो इसलिए हम जो है बादाम और चनों को हम पीस लेते हैं। आप देख सकते हैं बादाम भी मैंने इसमें शामिल कर दिए और इन दोनों को जो है अब पीस लेते हैं। जो है नफवा लेते हैं भाई, ये आप देख सकते हैं। अभी क्या करना है, अच्छा नहीं इसमें निकाल देते हैं। आप देख सकते हैं अच्छे से पिस चुके हैं और इसमें हम जो है बाकी की चीज़ें शामिल कर देते हैं। देखिए बादाम में जो अच्छे से अंदर पिस चुके हैं, हमारे पास काले तिल और क्रश खोपड़ा। अगर आप चाहें तो खोपड़ा जो है ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा पसंद है। और शक्कर जो है आप अपने लायके के हिसाब से जो है डाल सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा मतलब कि ये टेक पाव ही जो है इसमें शामिल कर दें। अगर कम पसंद है तो आप कम इस्तेमाल करें, अगर ज़्यादा पसंद है तो आप थोड़ी सी ज़्यादा भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इस्तेमाल करूँगी अगर कि कम लगी तो फिर और शामिल कर लेंगे, पर आप अपने लायके के हिसाब से जो है ना इसमें शामिल करना। ये सर्दियों का बहुत ही ज़बरदस्त तोहफा है, इसको आप रात में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसी को बीपी का मसला है, बीपी हाई होता है, तो वो जो है इसको ज़रा कम इस्तेमाल करें, मतलब कि अगर इस्तेमाल करते हैं तो अपना बीपी चेक कर लें कि ज़्यादा तो नहीं होता है। तो ये क्योंकि इसमें गुटलियाँ हैं तो इसको मैं हाथ की मदद से ज़रा ज़्यादा ही सब तो नहीं है इसमें जो है हाथ की मदद से हमने मिक्स कर दिया। और इसको आपने एक से दो चम्मच जो है ना इस्तेमाल करना है दूध के साथ, तो आपके जो है कमर और जोड़ों के दर्द जो है ख़त्म हो जाएंगे। और वैसे भी ये गर्म है, सर्दी के लिए बहुत ही मुफीद है, इसको आप सर्दियों में ज़रूर इस्तेमाल करें। अभी इसको जो है छोटे बर्तन में आप बंद करके रखें ताकि इसमें नमी ना आए।
आजकल सर्दी है इस वजह से, वैसे भी इसको जार में ही रखना चाहिए, तो इसको आप तकरीबन रोजाना, अगर के जवान बंदा है तो इसको 2 चम्मच लें, बूढ़ा बंदा जो है अगर किसी को बीपी का मसला तो ये कम ही इस्तेमाल करे, कम अगर इस्तेमाल करते हैं तो अपना बीपी लाजमी चेक कर लें, देख सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी प्यारी सी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आप याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।